नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम 1892 के एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे जाना जाता था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। हमने लास्ट लेक्चर में अपना 1861 का एक्ट ख़त्म किया, तो आगे पढ़ेंगे। आपको पता होगा 1861 के एक्ट में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट किया गया, नॉमिनेट किया गया, और नॉन ऑफिशियल मेंबर थे जो, वो इंडियंस को बोला जाता था जो सेंट्रल की लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किए थे। मतलब सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जो लॉ बनाती थी, और प्रोविंस मतलब स्टेट लेवल पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी हर स्टेट में अलग अलग, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटरीज़ में। तो इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर को नियुक्त किया गया जो इंडियंस होते थे, इंडियंस को, भारतीयों को नियुक्त किया गया, इसमें नॉमिनेट नामांकित किया गया, तो इसी को बोलते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो इस एक्ट में 1892 के एक्ट में क्या किया गया, इसमें इनकी संख्या बढ़ा दी, नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज, इनकी संख्या बढ़ा दी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ में। लेकिन क्या है, ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन रखी, कि ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन करने का मतलब है कि जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट प्रोविंस, जो प्रोविंस की है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनमें जो मेंबर होते थे ऑफिशियल मेंबर जो ब्रिटिश के होते थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट के, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर जो इंडियंस होते थे, तो इनमें ज़्यादा संख्या जो नंबर था इसका ज़्यादा था, ज़्यादा सदस्य मेंबर होते थे ऑफिशियल मेंबर और इंडियंस कम होते थे, ऐसे ही प्रोविंशियल में होते थे। और इसमें क्या किया, जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में फंक्शन थे, उसको इंक्रीज कर दिया। कैसे, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो बजट को डिस्कस कर सकती थी, बजट को डिस्कस कर सकती थी और एड्रेस, क्वेश्चन एड्रेस कर सकती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर होते थे वो क्वेश्चन पूछ सकते थे, और दूसरा आपका बजट को डिस्कस कर सकते थे, जो बजट पास होता था, ये पावर इंक्रीज कर दी गई। नेक्स्ट इसमें प्रोविजन थी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर का नॉमिनेशन होता था वो कैसे होता था, कि तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता था वो वॉयसराय करता था, जो सेंटर की थी वो वॉयल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें वॉयसराय करता था, किसकी रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे, किसकी सिफारिश पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सिफारिश पे करता था, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये दो रिकमेंड करती थी, सिफारिश करती थी कि इन मेंबर को इन इंडियंस को नॉमिनेट किया जाए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वॉयसराय उन्हीं को नॉमिनेट करता था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिनका नाम रेफर करती थी कि इन आदमी को बनाया जाए। नेक्स्ट इसमें प्रोविजन थी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो वॉयसराय करता था, लेकिन प्रोविंस पे गवर्नर थे, तो गवर्नर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर नॉमिनेट करते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर को, यानी कि इंडियंस को, और इन्हें, इनका नाम रेफर कौन करता था, रिकमेंड कौन करता था, रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश कौन करता था, वो करते थे डिस्ट्रिक्ट के बोर्ड होते थे, या म्यूनसिपालिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ होती थी, या ट्रेड की एसोसिएशन मतलब व्यापार संगठन, जमींदार्स या चैम्बर्स, ये रिकमेंड करते थे, सिफारिश करते थे कि ये इंडियंस को, किस इस इंडियंस को, ABC को मतलब इसमें नामांकित किया जाए, नॉमिनेट किया जाए, ये इसके नाम की सिफारिश करते थे, और फिर गवर्नर प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको नॉमिनेट कर देता था उन मेंबर को। और इसमें क्या होता था, इस तरह से इस एक्ट ने क्या किया, लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, मतलब फर्स्ट टाइम इसने इलेक्शन के लिए लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन दी गई इस एक्ट में। याद रखना, ये बहुत बार पूछ लेते थे कि कौन से एक्ट में लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन इलेक्शन के लिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई, तो ये 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट में शुरू की गई। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस एक्ट में कहीं भी इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं किया था। देखो यहाँ पे लिखा है कि द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज्ड इन द एक्ट, इस एक्ट में इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसने इंट्रोड्यूस किया लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, क्योंकि इन्हें भी कैसे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे इनको एक तरह से इलेक्ट किया जा रहा ना, तो इनडायरेक्ट वे में, लिमिटेड वे में, तो इस तरह से इसने इलेक्शन का इंट्रोड्यूस किया, लिमिटेड और इनडायरेक्ट, ये वर्ड आपको याद रखना है। और जो नॉमिनेशन होता था इन बॉडीज़ का, सर्टेन बॉडीज़ की मतलब रिकमेंडेशन पे होता था जो भी नॉमिनेशन होता था। तो इस तरह से हमने 1892 का एक्ट है, ये इतना ही था, इसमें इतनी प्रोविजन थी, तो ये हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1909, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें क्या क्या प्रोविजन थी ये जानेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इंतज़ार।